गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश व्लॉग में। होप आप सभी का संडे बहुत अच्छा जा रहा हो। और आज हम सुबह सुबह बैठ के हमारे सारे पुराने व्लॉग देख रहे थे। हमने सारे मतलब जितने मेरे व्लॉग हैं, मैंने कुछ व्लॉग्स प्राइवेट भी कर रखे अपने, वो भी देखे, तो काफ़ी आज मेमोरी अच्छी अच्छी ताज़ा हो गई आज हमारी। और हमेशा की तरह आज भी मस्त बारिश आ रही है, पर मम्मी ने आज हमको एक टास्क दे रखा है कि आज हमको नारियल छीलने सारे के सारे। तो अभी टाइम है नारियल छीलने का, सारे नारियल मैं अभी छीलने आ रहा हूँ। शायद तक टाइम भी लग जाए, पर पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 10 मिनट के अंदर ये काम निपटा दूँ। अभी तो इनको 2 घंटे लगेंगे मेरे को तो लग रहा है, इतने नारियल छीलने। देखो गाइस, अभी तो पहले ही नहीं छीला है। ओ भाई, बहुत जान जा रही है। तो गाइस अभी कम से कम 10 मिनट हो गए, अभी तक इनका एक नारियल भी नहीं छीला। बट रीजन भी ये संडासी से ही है। बहुत टाइम लग रहा है यार, मैं से काम भी ले लेता हूँ अपने सर पे। तो इस वक्त पहला नारियल छिल चुका है और अभी 3 नारियल और बाकी। इसको ही छिलने में 5 मिनट लग गया, देखते हैं बाकी को छिलने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे बाकी के नारियल छिलने के बाद। दूसरा नारियल भी हो गया, 2 नारियल हो गए, 2 और बाकी हैं बस। तो ये तीसरा नारियल बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आधा हो चुका है, आधा बाकी है। पर इसमें क्या, वो हार्ड शेल्स वो ज़्यादा है ना, तो निकल ही नहीं रहा, मतलब इतना टाइम लग रहा है इसको करने में। मुझे लग रहा है 1 घंटा और यही लगने वाला है मेरे को। तो इस वक्त मेरा तीसरा नारियल भी कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी शोर आ रहा है अभी पीछे, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करना आप। तीसरा नारियल हो चुका है बस, चौथा एक और नारियल बाकी है मेरा। तो इस वक्त 4 नारियल कंप्लीट हो चुके हैं और मज़ा आ गया छिलके। बहुत टाइम लगा ऐसे करने में, पर फाइनली 4 नारियल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इस वक्त मैं किचन में, जैसे ही गुस्सा और मुझे दिखी मम्मी, और मम्मी ने कहा कि मैं बना रही हूँ आज कचौरी और समोसे। मतलब इतनी प्यारी मम्मी भगवान किसी को ना दे, सिर्फ मेरे अकेले के लिए। मतलब ये मम्मी किसी को और को नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ मेरी मम्मी है ये। अरे मतलब ऐसी मम्मी भगवान सबको भी दे, मतलब सबके लिए मम्मी है ऐसी, मतलब सबके पास हो तो फिर किसी को क्या ही चाहिए। ये कचौरी का मसाला है और ये समोसे का मसाला है। ये मतलब ये प्याज वाली कचौरी का मसाला है और मतलब ये आलू वाले मस्त समोसे का मसाला है। ये देखो ना, और ये ये स्टार्ट हो चुकी है क्या? और ये इस वक्त हो रहा है समोसे का रेडी, और ये काट के एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे। बहुत सही। अब मम्मी दूसरा तरीका बताने वाली समोसे बनाने का। सबसे पहले मम्मी आधा किया, इसको ऐसे हाफ कट किया, थोड़ा सा पानी लगा के कोन बनाया, इसमें फिलिंग डाली। ये लाइन, ये तो लाइन तो बहुत अच्छे सिग्नेचर लाइन है। राउंड कचौरी का बाहर आ चुका है अभी। एक आना जी, आज हमने कचौरी समोसे बनाए, तो कचौरी का सबसे पहला राउंड आपको अर्पित है, आपको बहुत पसंद आया, भूख स्वीकार है। बस अभी इस वक्त कचौरी बन के तैयार हो चुकी है, सबसे पहले कचौरी मैं ट्राई करने वाला हूँ। और मतलब मेहनत से कोई चीज़ बनाओ ना तो वो अच्छी ही लगती है, तो मुझे पता है वो लगेगी तो अच्छी। मम्मी थैंक यू, बहुत टेस्टी थी। वैसे इसके साथ दही भी अच्छा लग सकता था यार, अपन पहले दही ले आते हैं। कि आप कभी भी बाहर जाते हो तो मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहनते कभी कभी बाहर, पर अगर आपके पास टाइम है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। मैं जहाँ भी आता हूँ कोशिश करता हूँ मैं हमेशा मास्क पहनूँ। तो इस वक्त मैं खुशी दही लेके आ चुके हैं और ये समोसे भी बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं, बस इसको प्लेट में निकालना बाकी है। घर बैठे कचौरी समोसे मिलना है बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब मम्मी जी को बहुत बहुत थैंक यू यार। एकदम कुरकुरे समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। खुशी, समोसे भी आ चुके हैं, और ये इस वक्त सारे समोसे सज चुके हैं, कचौरी भी आ चुकी है, और सारी चटनी मतलब दही चटनी सॉस और ये कड़ी सब कुछ आ चुका है, बस अब हम एंजॉय करेंगे इसको। और ये मेरा बिल्कुल चाट बन के रेडी हो गया है समोसे का, अब मैं इसको एंजॉय करने वाला हूँ। तो अभी इस वक्त हमने समोसे खा लिए, पेट भर गया हमारा, और अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे हमारे कंप्यूटर पे, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सर मैं अभी कंप्यूटर पे बैठा ही था, मेरा एक कीबोर्ड का एक जो होता है ना हटने का,
ये पूरा ही टूट गया, मुझे इसको अभी ठीक करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ना इसका, ये वाला, इसके अंदर मुझे सर्जरी डालनी पड़ेगी और एक कील घुसानी पड़ेगी ताकि हिल जाए। ये गिर गया, यूं हो गया, ये बिल्कुल यूं हो के और फिर गिर गया पूरा। इतने पे समोसे बचे हुए थे ना, मैं सारे खा गया, ठीक है ना। समोसा मैं ले लूँ यार? प्लीज नहीं। तो अभी इस वक्त 6 बज रही है और मैं अभी तक नहा के नहीं आया, और मैं ये लाइन दूसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा था मम्मी बेलन लेके आ गई। पिट जाएगा अभी भी, मतलब मेरे को बेलन पड़ सकता था अभी, मतलब अभी मुझे इतनी डांट पड़ी। अब मैं अभी ना, अभी हम जाने भी वाले हैं मौसी के, तो मैं देख रहा हूँ अभी फटाफट नहा लेता हूँ क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना बिना नहाए कहीं जाना। तो मैं फटाफट अभी नहा लूँगा और उसके बाद में अपन चलेंगे कहीं पर। तो इस वक्त मैं अभी नहाने जाने ही वाला था, मुझे एकदम कुछ जलने की बदबू आई। अभी जस्ट देखा हमने तो मम्मी जी ने दूध लगाया था और दूध लगा के भूल गए मम्मी जी। बिल्कुल जो कोहरा कोहरा सा दिख रहा है, पूरा धुआं ही धुआं हो गया किचन, और वो जो तपेली जो है ना बीच में वो जली है। अभी वेट करना पड़ेगा धुआं निकलने का। अब इसका मतलब आप समझ जाओ आप मम्मी की गलती थी। कोई बात नहीं, मम्मी के दिमाग में भी चीज़ें रहती है, इस वजह से हो जाता होगा कभी कभार, पर अपन चढ़ाएंगे ना, अपना अपन जैसे मौका मिल गया अपन चढ़ाने में अब से आ गए। तो बस इस वक्त हम निकल रहे हैं। हेलो मसाजी धोग, मौसी धोग, पर मौसी हमारे लिए मस्त टेस्टी हमारे लिए पपड़ी सेक रही है। मैं तो फीका दूध ही लेता हूँ, तो मैंने मौसी ने मेरे फीका दूध भी निकाल दिया अलग से। चिप्स बनाएंगे घर के चिप्स से, और ये चिप्स आ गए। हाँ कबाड़े काम कर रही है तू। तीन मंजिल ऊपर चढ़ी हुई। नीचे उतर, नीचे उतर, कबाड़े काम करती है, कचरे काम मत किया कर। बाय, आएंगे। वक्त अभी हम आ चुके हैं मामा के घर पे, और मम्मी खुशी से लिफ्ट लेते हैं, और मैं जब भी मामा के घर आता हूँ मैं हमेशा सीढ़ियाँ लेता हूँ। मामा दोग, अरे ये लो। और ये मामी का टेस्टी टेस्टी बर्थडे केक जो हम अभी खा रहे हैं। तो इस वक्त अभी 11:30 बज रही है और मैं सबसे मिलके आ चुका हूँ। आज का दिन यही खत्म होता है, तो आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सी या, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।